Hello students, I hope you are all healthy and happy. Today's topic is official duty. Let's start the duties of timekeeper. Before this, I discuss the time rule. Time rule is playing time, extra time, time out. वो सब कुछ आता है timekeeper की duty के अंदर. He shall note when each quarter is to start and notify this to referee more than 3 minutes before this time. Timekeeper referee को match के quarter के शुरू होने से 3 minutes पहले notify करता है. He shall keep record of play and stoppage of time. वह game के शुरू और ख़त्म होने के duration को अपने पास record रखता है. He shall indicate the bell of playing time in each quarter or extra time. वह बेल क्वार्टर के ख़त्म होने और एक्स्ट्रा टाइम के ख़त्म होने से पहले बेल के एक्सपायरी टाइम से ही रेफरी को इंडिकेशन करता है. टाइमकीपर शैल स्टार्ट टाइम आउट वॉच फॉर चार्ज टाइम आउट. वह टाइम आउट की ड्यूरेशन को भी अपने पास रिकॉर्ड रखता है. नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ रेफरी एंड एम्पायर. देयर इज वन रेफरी एंड वन एम्पायर टू कंडक्ट द मैच. बास्केटबॉल मैच में वन रेफरी और वन एम्पायर बास्केटबॉल कोर्ट पे ही होते हैं दोनों मैच कराने के लिए. दे अनफोर्स द गेम रूल टू बोथ टीम. वह दोनों ही टीमों को रूल के अनुसार खेलने के लिए बाध्य रखता है. दे ऑब्जर्व एंड विसल फॉर फाउल एंड वायोलेशन एंड इंडिकेट दिस टू टेबल ऑफिशियल. वह फाउल और विसल के लिए फाउल और वायोलेशन के लिए विसल के द्वारा इंडिकेशन करता है टेबल ऑफिशियल को, ताकि रेफरी के द्वारा इंडिकेशन का टाइमकीपर और स्कोरर अपने पास रिकॉर्ड रखें. दे कीप द बॉल फॉर फ्री थ्रो और थ्रो इन टू अपोजिंग टीम. वह अपने पास बॉल रखता है फ्री थ्रो और थ्रो इन के लिए. जब कोई टीम पेनल्टी या फाउल करती है तो रेफरी ही फ्री थ्रो कराता है, और जब कोई बॉल बाहर जाती है तो रेफरी ही बॉल देता है बॉल को थ्रो इन कराने के लिए. दे असिस्ट ईच अदर टू फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द गेम. वे दोनों ही मैच को स्मूथ कंडक्शन के लिए एक दूसरे को असिस्ट